तो एक बार फिर से आ चुके हैं हम, जहाँ पूरे हफ्ते की न्यूज आपको एक बार में मिर्च मसाला के साथ दे देते हैं, तो वो कई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। जहाँ आज की इस वीडियो में द मार्वल्स, सीक्रेट वॉर्स, ब्लू बीटल, एक्वामैन, सुपरमैन, इसके अलावा जवान, पुष्पा 2 और स्पाइडरमैन, काफी सारी अपडेट है भाई। तो भाई वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो शुरू करते सीक्रेट वॉर्स से। तो अवेंजर सीक्रेट वॉर, जिसका डायरेक्टर दिन प्रतिदिन चेंज होता जा रहा है, कभी ये कभी वो, तो भाई इसके रूमर में एक और डायरेक्टर का नाम जुड़ चुका है, जो की है भाई डेडपुल 3 के डायरेक्टर शॉन लेवी। मुझे ये समझ नहीं आता कि ये रूमर फैलाता कौन है, कभी शैंगची के डायरेक्टर, कभी डेडपुल 3 के डायरेक्टर, तो कभी छोड़ो रहने दो। हाँ, जब शॉन लेवी से खुद ये पूछा गया कि भाई क्या सच में आप ये डायरेक्ट कर रहे हो ये मूवी, तो उन्होंने हाँ भी नहीं कहा और ना भी नहीं कहा। और एक ये लोग कन्फ्यूजन बना देते, तो भाई सेम टू सेम यहाँ भी कन्फ्यूजन है और हमें पता ही नहीं कि ये डायरेक्ट करने के कि आगे बढ़ते द मार्वल्स की तरफ। तो इसका एक नया ट्रेलर के साथ साथ इसका IMAX पोस्टर भी रिलीज किया है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। वहीं सुनने में ये भी आ रहा है कि मूवी में एक 30 मिनट का एक्सक्लूसिवली IMAX सीन होगा, जो कि भाई नॉर्मल थिएटर में अच्छा नहीं लगेगा। अब MCU में 3 स्पाइडरमैन की मूवीज आ चुकी है, यह तो आपको पता ही होगा। तो भाई अब ये भी कन्फर्म कर दिया गया है कि इन तीनों मूवी यानी कि ट्रायोलॉजी का एक नाम भी है, और इसका नाम है द होम ट्रायोलॉजी। मतलब कि ये तीनों में होम करके आ रहा है, तो मतलब होम ट्रायोलॉजी। ओके, अब ट्रेविस स्कॉट जो कि एक रैपर है, उन्होंने मार्वल के साथ काम करने की इच्छा जाहिर की, मतलब वो चाहते हैं कि मार्वल के साथ काम करें। ट्रेविस ने बताया कि वो द ब्लेड में काम करने के लिए एक्साइटेड है, और ऐसा नहीं कि वो पहली बार MCU में काम कर रहे हैं, इससे पहले भी उन्होंने ब्लैक पैंथर में काम किया हुआ है। तो ब्लू बीटल जो कि अभी अभी रिलीज हुई थी, वो एक और फ्लॉप मूवी हो गई है DCU की तरफ से। अभी अभी DCU ने फ्लैश मूवी दी थी, जो कि काफी बड़ी फ्लॉप थी, और अब ये ब्लू बीटल, जिसने कि पूरे वर्ल्ड वाइड सिर्फ $114 मिलियन का ही कलेक्शन किया है। और अब बात कर लेते हैं एक्वामैन 2 के बारे में, जो कि दिसंबर में आने वाली है, और अभी अभी इसका ट्रेलर ड्रॉप हुआ, जो कि भाई मुझे तो काफी बढ़िया लगा। आप बताओ कि आपको कैसा लगा। तो भाई इसमें अपनी एम्बर हर्ड का एक सीन है, जिसको लेकर फैंस अब मेकर्स से पूछ रहे हैं कि क्या सच में आपने एम्बर हर्ड के सीन को मूवी से हटाया है, जिसपे कि मेकर्स ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, ये मूवी हमेशा से ही एक्वामैन उसके भाई पे फोकस होने वाली थी। खैर, खिचड़ी तो यहाँ भी पकड़ी है गाइस, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में तुरंत बताओ। तो जेम्स गन जो कि डीसीयू के कर्ता धर्ता बन चुके हैं, अब उनकी तरफ से एक नया अपडेट। भाई उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक फैन के जवाब देते हुए ये बताया कि उन्होंने 2 मूवीज की स्क्रिप्ट पूरी कर ली है, जो कि ये क्रिएचर कमांडो और सुपरमैन लेगेसी। खैर, मेरा थंबनेल का काम तो हो गया। वैसे मैं आपको बता दूं कि बाकी मूवीज पे काम नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि स्ट्राइक चल रहा है भाई, आपको पता ही होगा। और हाँ, ये कहना है जेम्स गन का, मेरा नहीं। तो अभी भी इंडिया में जवान रिलीज हुई, और भाई इसने कमाई के मामले में छप्पर फाड़ दिया है। इस साल पहले पठान, फिर अपना गदर 2, और भाई ये इस मूवी ने पूरे इंडिया में 391 करोड़ की कमाई कर ली है, और वर्ल्ड वाइड मिला दे तो 696, यानी कि ऑलमोस्ट 700 करोड़ की कमाई कर चुकी है ये सिर्फ अपने पहले वीक में। और जवान ने कमाई के मामले में अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ता दिए भाई। तो हाँ, आपने अभी तक ये मूवी देखी कि नहीं, या नीचे फटाक से कमेंट में बताओ। नेक्स्ट अपडेट है सालार से। तो भाई इस मूवी ने रिलीज होने से पहले 350 करोड़ की कमाई कर ली है। नेटफ्लिक्स ने इसके डिजिटल राइट्स 350 करोड़ में खरीदे हैं भाई। तो अब जाने से पहले आपको एक छोटी सी अपडेट ये भी दे दूँ कि भाई पुष्पा 2 का रिलीज डेट सामने आ चुका है, जो कि 15 अगस्त 2024। ठीक है, ओके, बाय। हाँ, लाइक सब्सक्राइब कर देना यार।